शरीर में तेजी से भीड़ बनाने और एक फौलादी मर्दों जैसे स्टेमिना पाने के लिए तीन चीजें देखेंगे, दंड, प्राणायाम और एक देसी सुपर फूड जिसको हर कोई ही अफोर्ड कर सकता है। और इन तीनों का जो कम्बिनेशन है वो बहुत ही डेडली कम्बिनेशन है जो आपको बहुत ही जल्द एकदम से वीरवान बना देगा। और सबसे अंत में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जिसको कि अगर आप अनुसरण में लाते हो तो इन तीनों की जो इफेक्टिवनेस है वो एकदम से डबल हो जाएगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ये जो लास्ट वाला मैं आपको टिप दूंगा वो प्रकृति ने सबको मुफ्त में दी है, आज भी बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध है। तो हम सबसे पहले दंड से शुरू करते हैं। हमें दंड लगाने हैं, और कौन से दंड? हमें राम मूर्ति दंड लगाने हैं। पर अगर आप साधारण राम मूर्ति दंड लगाओगे तो आपको उतने तेजी से परिणाम नहीं मिलेंगे, इसीलिए आपको लगाने हैं कुंभक राम मूर्ति दंड। अब ये कुंभक क्या? कुछ नहीं है, कुंभक बस सांस को होल्ड करने को कुंभक कहते हैं। यौगिक भाषा में सांस लेने को पूरक और उसको होल्ड करना कुंभक और छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो आपको कुंभक राम मूर्ति दंड लगाने हैं, यानी आपको सांस पहले जितने भर सकते हो भरो और उसको होल्ड करो, और फिर आपको राम मूर्ति दंड का अभ्यास करना है। और दूसरी बात ये कि ये जो राम मूर्ति दंड है ये साधारण पुशअप से थोड़े से मुश्किल होते हैं, और कुंभक के साथ तो थोड़े और भी मुश्किल होते हैं। तो इसलिए आपसे जितने भी राम मूर्ति दंड बन सके आप उतने ही राम मूर्ति दंड लगाए। आप चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना, एक राम मूर्ति दंड तो लगा ही सकते हो। और आप देखोगे कि चार दिन बाद दो लगाने लगे और सप्ताह भर बाद चार लगाने लगे। तो इस प्रकार से आप राम मूर्ति कुंभक राम मूर्ति दंड में प्रोग्रेस कर सकते हो। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि राम मूर्ति दंड, वो भी कुंभक राम मूर्ति दंड, उनको नहीं लगाने जिनको हार्ट की कोई भी समस्या हो या बीपी की कोई समस्या हो। तो देखिए आपको कैसे राम मूर्ति दंड लगाने हैं। तो इस प्रकार से आप कुंभक राम मूर्ति दंड का अभ्यास कर सकते हैं। अब आपके मन में शायद ये सवाल हो सकता है कि इतने सारे दंड में से राम मूर्ति दंड में ही क्या खास है? तो ये जो साहब है ये है प्रोफेसर राम मूर्ति नायडू। हमें तो हाथी के एक पैर से डर लगता है, पर ये साहब पूरे के पूरे हाथी को अपने सीने पर होल्ड करके रखते थे। और यहाँ तक कि अंग्रेज इनको कलयुग का भीम, इंडियन हरक्यूलिस इन सब की उपाधि दे रखे थे। और ये आजीवन ब्रह्मचर्य रहे थे, एक शाकाहारी थे, और आज भी तमिलनाडु के पाठ्य पुस्तक में इनके बारे में पढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनके भुजाओं में बल था, इनका दिल भी बहुत बड़ा था। ये दुनिया भर में सर्कस करते थे, वहाँ अपने स्टंट दिखाते थे, और उनसे जो भी पैसा कमाते थे उसका 50% ये भारत में स्वतंत्रता अभियान चल रहे उनको दान दे दिया करते थे। तो ये थे राम मूर्ति नायडू की महिमा। अब हमारा जो दूसरा दंड है वो है हनुमान दंड। देखिए आपको दो दंड लगाने हैं, एक प्राणायाम और एक देसी सुपर फूड खाने हैं, ठीक है, बस इतना ही। तो ये जो हनुमान दंड है ये आप खुद ही जान सकते हैं कि हनुमान जी के नाम पे रखा गया है हनुमान दंड। तो अगर आप इसको लगाते हो तो उन जैसा ही शक्तिशाली और वीरवान बन सकते हो। तो हम देखते हैं कि हनुमान दंड कैसे लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप हनुमान दंड लगा सकते हैं, और ये दोनों दंड कुंभक राम मूर्ति दंड और हनुमान दंड ये लगाने हैं। अब हम आते हैं प्राणायाम पे। आपको कौन से प्राणायाम करने हैं? आपको करने हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जिसको ब्रेथ ऑफ फायर भी कहते हैं। वाकई में ये मतलब अगर आप 5 मिनट भी करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि सांसों में आग सी लग गई है। और जहां आप नॉर्मल ब्रीदिंग में ना 500 ml ऑक्सीजन लेते हो, वहीं इस भस्त्रिका प्राणायाम में 5,000 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इनटेक होता है। तो ये वाकई बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है, सॉरी प्राणायाम है। और इसमें इसको करने में शक्ति भी लगती है, और सबसे मज़े की बात यह है कि आप जितनी शक्ति इसको लगाओगे करने में उससे दूनी शक्ति आपको ये वापस से दे देंगे। और इसीलिए जिनको हार्ट की समस्याएँ, अगेन जिनको हार्ट की समस्याएँ, बीपी की समस्याएँ, वो भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल ना करें।
और ये जो भस्त्रिका प्राणायाम है इससे आपके 72,10,201 नाड़ियाँ, आपके सारे तंत्र, आप यूँ समझो कि ऊपर से लेके नीचे तक सब सक्रिय हो जाते हैं, सब गजब के हो जाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाते हैं बहुत ही। आप एक बार करके देखना भस्त्रिका प्राणायाम, ये कितना ही पावरफुल प्राणायाम है और इसीलिए मैंने इसको इस लिस्ट में डाला है। और एक बात और, अगर आप भस्त्रिका प्राणायाम के इफेक्टिवनेस को और भी बढ़ाना चाहते हो तो आप इसे करने से पहले नाक, दोनों नाक में आप गाय का घी ले लें, इससे आप इसकी जो एफिशिएंसी है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। तो आप देखिए इस प्रकार से आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। देखिए ऐसे तो भस्त्रिका प्राणायाम को ऑड के संख्या में किया जाता है, यानी 3, 5, 7 ऐसे किया जाता है, इतने बार करने होते हैं, पर आपको ऑड इवन कुछ भी याद नहीं रखने। आप बस इतना ध्यान रखें कि शुरुआत के और जो लास्ट के आपके भस्त्रिका होंगे वो धीमे से मध्यम होंगे, और बीच के जो होंगे वो आप हाई इंटेंसिटी में जाके भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। यानी आप धीमे गति से शुरू करेंगे और तेजी पे जाएंगे और फिर आप धीरे से धीमे गति पे आ जाएंगे भस्त्रिका में, ठीक है। इस प्रकार से आप इसमें आप क्या करें, इसमें आप पद्मासन में बैठ जाए और आप अपने हाथ के दोनों मुट्ठी को ऐसे कर ले। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे बैठ जाए। तीसरी चीज़ है वो है देसी सुपर फूड। वैसे तो आपने में से हर किसी ने इसको खाया होगा, पर मैं इसको सुपर फूड ही कहता, और ये है दूध। वाकई में दूध और दूध से बनी हुई सारी चीज़ें आप इसको खा सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे स्पर्म का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप गौर करें तो भारत में एक रस्म होती है शादी के बाद, एक सुहागरात की रस्म होती है, उसमें जो दूल्हे होते हैं उनको दूध ऑफर किया जाता है। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आजकल बहुत से मिलावटी दूध होते हैं, तो हो सके तो आप सच्चे शुद्ध दूध का उपयोग करें, इससे आपको फ़ायदे मिलेंगे। और मैंने जैसा कि आपको बोला था कि लास्ट में आपको एक बोनस टिप दूंगा जो कि बाकी की ये तीनों चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस को एकदम से डबल कर देगी, तो वो बोनस टिप है कि आपको धूप में बैठने हैं। और आपको शायद ये साधारण चीज़ लग रहा होगा, पर आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये कितना ज़रूरी है। और भारत में रिसर्च होते हैं तो पता चलता है कि भारत में कभी 70% कभी 80% पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है। और जो विटामिन डी होता है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जब आप टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता है तो उससे स्पर्म का भी प्रोडक्शन होता है। तो बहुत ही इसके बारे में अगर आप चाहो तो घंटे भर का भी वीडियो बन सकता है। तो आपको धूप में बैठने कैसे हैं, आपको सप्ते में 4 से 5 दिन भी बैठते हैं आपके लिए पर्याप्त है, और आपको ऐसा नहीं है घंटे भर बैठना, आपको बस 10-15 मिनट भी सुबह की धूप में बैठते हो तो आपके शरीर के लिए ये बहुत ही अच्छा है। तो हमने देखा कि हमें 2 दंड लगाने, एक राम मूर्ति दंड और एक हनुमान दंड, और एक प्राणायाम करने हैं, एक भस्त्रिका प्राणायाम, और एक सुपर फूड लेने हैं यानी आपको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ लेनी है, और इन तीनों चीज़ का पूरक कंप्लीमेंट्री के लिए आपको धूप में बैठने, सुबह की धूप में बैठने। तो ये था हमारा वीडियो का समाप्ति। तो आप सबने बड़े विनम्रता और ध्यानपूर्वक से सुना, इसके लिए मैं अनुग्रहित हूँ। और अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम।